गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि भाई मैं आपको जेई 2021 एडवांस के जो पेपर हैं या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके बच्चों में आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो उम्मीद है जो पिछले 3 वीडियोस मैंने आप लोगों से डिफरेंट सेक्शन सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 के जो शेयर किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपने उनसे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट और किस तरह की पेपर बनाते टाइम जेई थॉट प्रोसेस रखता है वो आपको एक आइडिया लगा होगा, जिससे आपको जेई 2022 में या आगे आने वाले सालों में मदद मिलने वाली है, पक्की बात। अब मैं इसमें पेपर 1 का ही जो अपना आखिरी सेक्शन था जो सेक्शन 4 में बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे और प्लस 4 0, ये सेक्शन मैं कह सकता हूँ बच्चों के लिए सबसे आसान सेक्शन था। मतलब ये ऐसा सेक्शन था जिसमें आओ लूट लो नंबर, इस सेक्शन का नाम मुझे तो ऐसा लगा कि लूट लो नंबर, बस लूट ही लो। ना तो नेगेटिव मार्किंग थी और ना ही क्वेश्चंस टफ थे, ना ही क्वेश्चन ट्रिकी थे, ना ही कैलकुलेशन लेंदी थी। जब इतनी सारी चीज़ नहीं है तो बस लूटने वाली बात बचती है कि यार लूट लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो पेपर था उसमें क्या था। जैसे मैं आगे आ जाता हूँ, भाई ये हमारे पास पेपर आ गया है ना। जैसे इसमें 17 क्वेश्चन था कि x रियल नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमें एक मॉडुलस की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। अब यार मॉडुलस का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं, इससे आसान तो क्या ही पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे आसान तो कुछ पूछ ही नहीं सकते। जैसे ये मॉड खोल लें तो कार्यक्रम हो जाए, तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा और एक्स स्क्वायर 1 से छोटा, दो केस हमें बनाने पड़ेंगे। अब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा तो मोड अपने पास ऐसे ही खुल जाएगा भाई, डायरेक्टली भाई मोड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। सो 3x² - 4x² + 4 + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये -x² + x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x² - x - 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखने वाली बात है कि भाई एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा या -1 से छोटा रूट होने चाहिए। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका अगर हम 1 पे वैल्यू देखें, किस पे वैल्यू देखूं, 1 पे वैल्यू देखूं, तो 1 पे क्या वैल्यू आएगी, -3, ठीक बात, अपवर्ड पैराबोला होगा। मैं अगर -1 पे वैल्यू देखूं तो -1 पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस 3 विच विल बी -1। तो -1 पे नेगेटिव है, 1 पे नेगेटिव है, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो एक रूट -1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, तो मतलब दो रियल रूट यहाँ पर आ गए भाई, कि भाई दो रियल रूट हमारे पास यहाँ पर आ गए। रूट्स निकाल के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट्स निकाल के नहीं देख सकते, लेकिन जब ठीक है बिना कैलकुलेशन काम हो रहा है तो हम बिना कैलकुलेशन काम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7x² + x, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस, ये हो जाएगा -4 - 1 - 5। मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, 7x² + x - 5। अब इसका भी डी देखें तो इसका भी डी पॉजिटिव है, सही बात भाई, डी इसका कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस आने का मतलब डी पॉजिटिव हो गया, दोनों रूट कैसे हैं, रियल। वर्टेक्स -b/2 है, -1 से +1 के बीच में होगा। अब इसमें अगर मैं 1 पे वैल्यू देखूं कि भाई 1 पे इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, 7 + 1 - 8 - 5 - 3, मतलब अगर ये मैंने fx मान लिया तो f(1) मेरे पास कितना आ रहा है, 3। और f(-1) अगर मैं देखूं कि f(-1) कितना आ रहा है, -1 कितना आ रहा है, 1 भाई, 7 - 6 विच विल बी 1। तो इसका मतलब यार यहाँ पे ये -1 है, -1 पे 1 है, ये 1 है, 1 पे 3 है, वर्टेक्स बीच में है, अपवर्ड पैराबोला है, डी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों रूट क्या आ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो दो रियल रूट यहाँ पर आ गए भाई, दो रियल रूट यहाँ पर आ गए, दो रियल रूट यहाँ पर आ गए। इसने यही पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स का आंसर कितना आ रहा है बेटा जी, 4। लड्डू, इसको ऐसे नहीं करना, रूट्स निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई जैसा AS सर बताएं वैसा ही करो। बस मैं तो कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन से बचूं,
जिस भी तरीके से कैलकुलेशन से अगर बच सकता हूँ वो कैलकुलेशन से बचने की थॉट प्रोसेस मेरा तो बच्चों रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यार वैसे तो देखो SOT देख के बहुत लोगों के हाथ पर फूल जाते हैं, बस इसलिए फूलते हैं कि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते, बट ये एक SOT का लड्डू क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल SOT प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। भाई यहाँ पे ये सी दे रखा है हमें कितना √23, ये ए दे रखा है हमें कितना 3, और ये हमें बी दे रखा है कितना 4। तो हमें cot A प्लस cot C अपॉन cot B, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू बताने के लिए साइन कोस में तोड़ना सबसे बढ़िया रहता है। ये होगा बच्चों अपने पास साइन ए अपॉन सॉरी ये अपने पास होगा हाँ ये अपने पास होगा कॉट कितना होगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी, और नीचे अपने पास क्या होगा कॉस बी अपॉन साइन बी। अब देखो ऊपर हम अगर देखें कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए कॉस सी विच इज साइन पाई माइनस बी विच इज साइन बी, तो ऊपर कितना आ गया साइन बी आ गया। ठीक, कि नीचे वाला साइन भी ऊपर पहुंच गया साइन स्क्वायर बी हो गया, नीचे कितना आ गया साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। ठीक बात, अब साइन रूल से इसे मैं बी स्क्वायर और इसे मैं ए सी लिख सकता हूँ, भाई इसको मैं भाई के बी के ए के सी के स्क्वायर अपना कट जाएगा, और कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, तो 2AC AC अपना कट गया। तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, बस सबकी वैल्यू रख दो, तो 2 × b² कितना हो जाएगा 16। ठीक बात, a² + c² 23 + 9 दैट विल बी 32 एंड 32 - 16 दैट विल बी 16, तो 16 गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक बात, देखो कितना लड्डू क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चंस तो आजकल जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं बच्चों, समझे कि भाई जेई मेंस में भी इससे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एडवांस में सारे ही क्वेश्चन तूफानी होते हैं, बस वो बच्चों को लगते हैं, भाई थोड़े जो बच्चों को वो ऐसा लगता है कि यार सारे ही अच्छे पूछते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, जो मतलब सभी बच्चे कर सकें। 30% ऐसे होते हैं 30-40% जो मॉडरेट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। हाँ 5-10% मैं कह सकता हूँ जो तूफान होते हैं, जिन्हें हमें रेस्पेक्ट कर लेना चाहिए, रेस्पेक्ट कर लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा बन जाता है ना, ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना पेपर 1 का, भाई 2021 के पेपर 1 का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, UVW वेक्टर्स दिए हैं, UV आर यूनिट वेक्टर हैं तो उनका मॉड 1 है, परपेंडिकुलर नहीं है मतलब U.V 0 नहीं है, एंड ये U.W दे रखा है V.W दे रखा है W.W दे रखा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय UVW वेक्टर, तो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम होता है बॉक्स ऑफ UVW, है ना, तो बॉक्स ऑफ UVW √2 है। अब हमें ये बताना है, अब देखो इसको बताने के लिए अगर हम इसको खोलें तो √(mod U²)9 + (mod V²)25 + 2 × 5 × 3 = 30 × U.V, तो अगर U.V मिल जाए तो अपना कार्यक्रम तुरंत हो जाए। बस सिंपल हमें क्या चाहिए U.V, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ U.V, तो U.V के लिए हम यहाँ पे V.W है W.W है, तो एक फार्मूला होता है लैग्रेंज आइडेंटिटी बॉक्स ABC के स्क्वायर का, कि बॉक्स ABC का स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये जो हम बच्चों को बताते हैं याद कराते हैं। तो बॉक्स ABC के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है A.A.A.B.C B.A.B.B और B.C, और ये क्या होता है C.A.C.B और C.C, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम UVW रखेंगे, UVW तो उसका बॉक्स क्या दे रखा है √2, तो
तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू। ठीक बात। ए डॉट ए वन, बी डॉट बी वन, सी डॉट सी, मतलब सी डॉट सी मतलब डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू विच विल बी फोर, यू डॉट डब्ल्यू विच इज वन, यहाँ पे आएगा यू डॉट डब्ल्यू नहीं, यू डॉट वी आएगा यहाँ पे, यू डॉट वी, यहाँ पे क्या आएगा, यू डॉट वी जो हमें निकालना है, यू डॉट डब्ल्यू यहाँ पर आएगा जो वन दे रखा है, ये भी वन हो गया, v डॉट डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, ये भी वन है, ये भी वन है, इसको हमें बराबर करना है। इसको बराबर करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो u डॉट v की तुरंत फटाफट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। इस हाफ को यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस दैट विल बी 34, और 34 प्लस 15 दैट विल बी अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का इंटीग्रल आंसर क्या होगा, 7। ठीक बात। तो देखो तीन ही क्वेश्चन आए थे और तीनों लड्डू थे और चार चार नंबर के क्वेश्चन थे, तो चार 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 12 नंबर आ गए भाई, तो चार 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 12 नंबर बहुत जल्दी आ गए। इसलिए मैं कहता हूँ ना बच्चों को कि भाई मल्टीपल चॉइस को थोड़ा सा बाद में करो, भाई पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में हो जाएं हमसे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पर होगा। कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पर चला गया फिर मल्टीपल चॉइस भी हमारे आगे नहीं टिकेगा, और अगर हम पहले ही मल्टीपल चॉइस में उलझ के रह जाएं तो फिर इसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा जाएगा। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि पहले पेपर में जो आसान सेक्शंस हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आसान सेक्शंस कैसे हो सकते हैं, एससीक्यू हो सकते हैं, इंटीजर क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू की खासियत ये है कि जो आंसर आएगा ना वो फाइनाइट आंसर आएगा, और अगर आंसर आ रहा है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भाई मैथ्स एक फाइनाइट सब्जेक्ट है तो मैथ्स में जो आंसर आता है ना या तो आता ही नहीं है, और अगर आंसर आपका आ रहा है ना तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो पेपर का जो मैंने डिटेल एनालिसिस डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया है आपको इसमें आनंद आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि हमें पेपर कैसे करना चाहिए, पेपर हमें कैसे नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मैं पेपर टू भी बहुत जल्द आपसे आजकल में ही शेयर कर दूंगा, उम्मीद करता हूँ वो भी आप मजे आएंगे, वो भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।